जी तो कई सब कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आपका शुक्र गुज़ार हूँ। खैर मकदम है कि आपने मधु किया और बहुत शुक्रिया जी आपकी तशरीफ़ आवरी का। आपको भी बड़ी स्पेशल रिक्वेस्ट पे हमने आपको बुलाया। आज कौन सा कलाम? हम तो आपसे बहुत कलाम सुनना चाह रहे हैं, जो बहुत ही खूबसूरत सा कलाम, जैसे आप सुनाते हैं हमेशा, इसी तरह आज भी हम आपसे कुछ सुनना चाह रहे हैं। चलें फिर आपके कहने पे मशहूर ज़माना कलाम है वो पेश कर जी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। हाले दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए हाले दिल किसको सुनाए, आपके आपके होते हुए
किसी के दर पे जाए आपके होते हुए और अपना जीना अपना मरना अब इसी चौखट पे है सरकार जाए आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाए आपके होते हुए क्यों किसी के माशाल्लाह माशाल्लाह सुबहान अल्लाह। अरसलान साहब क्या खूबसूरत कलाम और क्या अंदाजे अदायगी आपका, एक एक सरूर का समा जो है वो बिल्कुल स्टूडियो में इस टाइम पे मौजूद बिल्कुल ऐसे खामोशी हो गई थी जैसे कोई है ही नहीं यहाँ पे। बस ये आपकी मोहब्बत बहुत खूबसूरत अंदाज में आपने पेश किया, मोहब्बतें आपकी। अरसलान बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। जी तो नाज़रीन ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आज के प्रोग्राम में हमने बात की रमज़ानुल मुबारक के फ़ज़ाइल के हवाले से, रमज़ानुल मुबारक की रहमतों मग़फ़िरतों के हवाले से कि कौन से अंदाज़ जो है वो हमें अपनाने चाहिए, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक को उम्मत का महीना करार दिया गया है। शबानुल मौज़िम को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना महीना करार दिया और इस महीने को जो है वो ख़ास करके उम्मत का महीना करार दिया है, तो इसका ख़ुसूसी अंदाज़ में जो है वो एहतमाम जो है वो हमें करना चाहिए। और क्यों ना इसका एहतमाम किया जाए कि जिस इस महीने का एहतमाम करने का हमें उस हस्ती ने कहा है कि जिसके बारे में शायर ने क्या खूब कहा है कि निगाह इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, निगाह इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा। अपने मेज़बान अमीर हमज़ा और नास खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।